हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कंजेनाइटल यूरोलॉजिक एनोमेलीज। कंजेनाइटल कहने का क्या मतलब है? जो बर्थ के समय हो। यूरोलॉजिक मतलब कि जो यूरिन सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है वो सिस्टम में एनोमेलीज आ जाना। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें जैसे कि कॉमन रीनल एनोमेलीज देखने को मिलेंगे, एबनॉर्मल नंबर होगा, जैसे कि एक हो सकता है, दो होना चाहिए लेकिन एक हो सकता है, एजिनेसिस किडनी बनेगा ही नहीं, एबनॉर्मल पोजीशन या फॉर्म, जैसे कि वो बीन शेप होता है, उसके अलावा कोई शेप हो जाए, कॉमन ब्लेडर एनोमेली जैसे कि ब्लेडर एक्सट्रोफी, कॉमन यूरेथ्रल एंड पेनाइल एनोमेली जिसको हाइपो एस्पादियासिस या ईपी एस्पादियासिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होता है मेली मेल में, ये पेनिस के ऊपर या पेनिस के नीचे होगा सामने के बजाय, कॉमन यूरेथ्रल एंड रीनल पेल्विस एनोमेलीज जिसमें कि यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन, वेसिको यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन कहने का क्या मतलब है? जहाँ पर किडनी का पेल्विस और यूरेथ्रा जहाँ पर मिलता है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। वेसिको यूरेथ्रा रिफ्लेक्स कहने का क्या मतलब है? जैसे कि ये किडनी है हमारा, ठीक है, यहाँ से यूरेथर निकला है, यहाँ पर हमारा ब्लेडर होता है, तो ये जहाँ पर मिलता है ना ब्लेडर से उसी को हम कहते हैं, ये कौन सा पाथ कहते हैं, वेसिको यूरेथ्रल पाथ कहते हैं, उसमें जो रिफ्लेक्स होता है उसको वेसिको यूरेथ्रा रिफ्लेक्स कहते हैं। डुप्लीकेशन हो जाना, यूटेरो सीली इक्टोपिक यूरेथ्रल और कॉमन जेनाइटल एनोमेली जैसे कि अनडिसेंडेड टेस्टिस। मैंने आपको बताई थी जब पढ़ा रही थी, टेस्टिस क्या होता है, ऊपर से नीचे जाता है और हमारा किडनी नीचे से ऊपर जाता है, ये डिसेंड होता है और ये असेंड होता है, तो ये एनोमेलीज हो जाएगा, इंटरसेक्स एनोमेलीज। सबसे पहले आते हैं रीनल एजिनेसिस, मतलब किडनी का ना बनना। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाईलेटरल भी हो सकता है। यूनिलेटरल में रीनल एजिनेसिस में मेले जो मेजोनेफ्रिक डक्ट होता है ना वो फेल हो जाता है डेवलप करने में, और इसमें एब्सेंट हो सकता है यूरेटर, ट्राइगोन, किडनी। मेले ये बॉयज़ में देखें तो वाज डिफरेंस भी एब्सेंट हो सकता है। अगर यूनिलेटरल रीनल एजिनेसिस है तो ये कम्पैक्ट टिवल है लाइफ के साथ, मतलब कि ये लाइफ इंसान जी सकता है। तो इसमें होता क्या है, क्या देखने को मिलता है, ज़्यादातर लेफ्ट किडनी एब्सेंट होता है, ठीक है, इसको कंपनसेशन सही करने के चक्कर में जो राइट किडनी होता है वो जितना साइज होना चाहिए उससे ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, जिसके कारण ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है और इसके कारण क्रोनिक किडनी डिजीज होता है। अगर बाइलेटरल हो जाए तो बाइलेटरल मतलब कि दोनों किडनी नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये दोनों जो मेजोनेफ्रिक डक्ट है वो फेल हो जाएगा डेवलप करने में, और ये इनकम्पिटिबल विथ लाइफ होता है, इसमें लाइफ ना के बराबर होता है। ये होता क्यों है? तो एमनियोन नोडोसम के कारण, और इसके कारण क्या होता है, एमनियोन नोडोसम होता है और पॉटर सीक्वेंस होता है। तो पॉटर सीक्वेंस कहने का क्या मतलब है, इसके नाम में ही इसका पूरा दिया हुआ, POTTER, पी से परमोली हाइपोप्लेसिया देखने को मिलता है, ये मेली ओलिगो हाइड्रोएमियोन के केस में देखने को मिलता है, ओलिगो, उसके बाद टी से ट्विस्टेड लिम्ब होगा, टी से ट्विस्टेड स्किन, वाशरमैन जो होता है ना, जैसे कि कपड़ा खींचता है धोबी, उसका हाथ कैसे एकदम मोड़ा मोड़ा सा होता है वैसा हो जाएगा, ई से एक्सट्रीमिटीज डिफेक्ट होंगे और आर से रीनल एजिनेसिस होता है, ठीक है। पॉटर फेसेज में आपका जो फेस होगा वो फ्लैट होगा, ईयर जहाँ पे होना चाहिए उससे लो होंगे, माइक्रोग्नेथिया मतलब जो टुड्डी है ना वो अंदर की ओर रहेगा, ठीक है। एमनियोन नोडोसम कहने का, ओमनियोन नोडोसम जो होता है वो कंसीडर किया जाता है प्लासेंटल हॉलमार्क के सीवियर और प्रोलॉन्ग ओलिगो हाइड्रोएमियोन में, ठीक है, इसमें नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं एमॉर्फस ग्रेनुलर मटेरियल का जो प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ एमनियोन को, जिसे को हम कहते हैं एमनियोन नोडोसम, ठीक है। तो पहला रीनल एजिनेसिस हो गया।